हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मीनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। सो आज हम बनाएंगे स्वीट पोटैटो सैलेड, शकरकंद का सलाद, जो कि भरपूर है फाइबर से, विटामिन से, मिनरल से, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और ये जैसे हम सोचते हैं कि आलू की तरह इसमें भी फैट है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको इसके चार बेनिफिट्स बताऊँगी, चार फ़ायदे बताऊँगी। तो सबसे पहला है कि इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इट्स हाईली न्यूट्रिशियस, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, स्वीट पोटैटोज़ में बेटा कैरोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि विटामिन ए का सोर्स है, जो हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो बाकी के दो फायदे मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो ये सॉफ्ट क्रीमी इंग्रेडिएंट लोग अलग अलग तरह से खाना पसंद करते हैं, कोई इसको सब्जी की तरह खाना पसंद करता है, तो कोई इसको डेजर्ट की तरह, और ये अलग अलग कलर्स में भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स की पूरी सूची मैंने बना के दी है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए कि हम सलाद के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करेंगे। वैसे ये सारे आपको घर पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से इसको पील करेंगे और इसको काटेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको गोल गोल टुकड़ों में काटूंगी, और इसको थोड़ा सा थिक रखिएगा, ज़्यादा एकदम पतला मत कीजिएगा, क्योंकि हम इसको बॉईल करने वाले हैं। और इसको मैं फिर से इसको आधे टुकड़े में काट रही हूँ, बट आपकी अगर इच्छा है कि इसको गोल ही रहने दे तो गोल ही रहने दीजिए। सो ये ऑप्शनल है। तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हमने, तो चलिए अब हम इसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के लिए इसमें मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, पहले मैं हाफ कप ऑफ वाटर ही यूज़ करूँगी इसमें। ये यहाँ पर मैंने आधा कप जितना पानी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मीडियम स्लो फ्लेम पर रखेंगे और इसको ढक के रखना, ताकि ये जल्दी बॉईल हो जाए। और जैसे ही पानी थोड़ा जल जाता है, आप इसमें फिर से थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। ये देखिए, तो वैसे तो ये कंसिस्टेंसी अगर आप रखोगे या फिर इतना बॉईल करोगे तो काफ़ी है, बिकॉज़ इसमें पानी एब्जॉर्ब होता है। बट मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, इस पर ढक के रखूंगी मैं। और 2 मिनट बाद आप देख सकते हो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, विच आई लाइक पर्सनली। तो आप चाहो तो इसको पहले ही बंद कर सकते हो। ये मैशी मैशी, जस्ट आई लव दैट। तो अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, और चेक करने के लिए आप स्पैटुला की सहायता से इसको हल्का सा प्रेस कीजिए, और अगर ये टूट जाता है जल्दी तो समझ जाइए कि बन चुका है। गैस बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने देंगे हम। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। बहुत ही आराम से निकालिएगा, वैसे मैंने बहुत ही सॉफ्ट रखे इसको, तो आपको इसलिए बोल रही हूँ, बट आप इसको थोड़ा सा कच्चा रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसमें एक प्याज, उसको एकदम बारीक काट के डालूंगी, और ये थोड़े मैंने पुदीना के पत्ते डाले हैं, और यहाँ पर काली मिर्च डालूंगी 1/4 टेबल स्पून जितनी मैंने डाली है, आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। और ये अदरक का पाउडर है, ये 1/4 टेबल स्पून जितना मैंने डाला है इसमें। और यहाँ पर मैंने अजवाइन और जीरा, इन दोनों को अच्छे से रोस्ट करके इसका पाउडर तैयार किया है, तो ये मैं लगभग 1/2 टेबल स्पून जितना डालूंगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पर मैं सेंधा नमक डालूंगी, 1/4 टेबल स्पून जितना डालूंगी यहाँ पर। और ये है अमचूर पाउडर, ये 1/4 टेबल स्पून जितना डाल सकते हैं, और आप चाहो तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो, मैंने स्किप किया है। और यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे, सेंधा नमक ऑलरेडी हमने डाल दिया, इसलिए थोड़ा ही डालना है। और यहाँ पर नींबू का रस, मैंने आधा नींबू निचोड़ा है, आप चाहो तो एक नींबू पूरा ले सकते हो, इस वजह से भी बहुत हेल्दी रहता है वो। और यहाँ पर सफ़ेद तिल डाले हैं 1/4 टेबल स्पून, आप चाहो तो 1/2 टेबल स्पून भी ले सकते हो। और यहाँ पर काले तिल है, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं हमारे लिए, इसको ज़रूर डालें आप किसी भी सलाद में। और अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मिक्स कर रहे तब तक आपको मैं इसके दो और बेनिफिट्स बता दूं कि इसमें जो फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे गट हेल्थ को बहुत ही बैलेंस करके रखता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं और हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। साथ ही दिस इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक,
एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। सो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, जब भी इसका सीजन है आप इसको जरूर बनाकर खाइए। और ये है हमारे रोस्टेड पीनट्स, आप अपने अनुसार ले सकते हो कम ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने बारीक येलो सेव ली है गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा धनिया पत्ता भी आप डाल सकते हो। सो ये हमारा स्वीट पोटैटो सलाद एकदम अच्छे से तैयार हो गया है टूट पड़ने के लिए उस पर। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।